गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी एस स्टडी 94 में। और दोस्तों, मैं यश। तो दोस्तों, जो दैनिक जागरण जो सत्ता का जो मुख्य पृष्ठ का भाग होता है, जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं, उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं, चीज़ों को बेहतर विश्लेषण करके आप तक पहुँचाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, कुछ लोग हैं जो हमारे भाई बंधु हैं, वो कहते हैं कि सर PDF भी दिया करिए। PDF चूँकि मैं नहीं दे सकता, जैसे न्यूज़पेपर का, चूँकि ये कई लोग हैं जो कॉपीराइट का मामला आ जाता है, आपको बता दें इसलिए। और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो आप तक, जैसे कुछ लोग कहते रहते हैं सर लिंक भेज दिया करिए, तो टेलीग्राम पे मेरा जो चैनल का नाम है GS Study 94 के नाम से, उसे आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ। या फिर आप एक काम करिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन होता है, उसे आप प्रेस कर दीजिए। उसके बाद जैसे मैं वीडियो डालूँगा, अपलोड करूँगा, आपके यहाँ नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों आगे। आज हम बात करेंगे हृदय नारायण दीक्षित जी के बारे में, जिन्होंने इस चीज़ को लिखा है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारा विषय कम्युनिस्टों के निशाने पर श्रीराम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप सिविल एस्पिरेंट हैं, UPPCS UPSC या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के यदि आप छात्र हैं, प्रतियोगी हैं, तो आपको कभी भी कम्युनिस्ट शब्दों का आप इस्तेमाल करिएगा लेखन शैली में, पर आज का जो समाज जो उसका नेचर बनता और बिगड़ता चला जा रहा है, वो कम्युनिस्ट को एक गाली की तरह समझते हैं। और जो कम्युनिस्ट शब्द का जो ओरिजिन हुआ था, ये आदिवासी जनजाति और गरीबों, खासकर किसानों के माध्यम से इस विचारधारा का जन्म हुआ था, पर आज के समाज में इसका जो रूप पूरी तरह से बिगड़ चुका है। कम्युनिस्ट का मतलब लोग समझते हैं आज के दौर में कि यदि आप देश विरोधी कृत्य कर रहे हैं तो आप कम्युनिस्ट हैं, यदि आप जैसे कि भारत माँ को गाली दे रहे हैं, रूलिंग पार्टियों को गाली दे रहे हैं, तब आप कम्युनिस्ट हैं, आप चाइना जैसे देश का समर्थन करते हैं, चाइना की नीतियों का समर्थन करते हैं, तो आप कम्युनिस्ट हैं, ऐसी तमाम तरह की बातें। पर दोस्तों, जो ओरिजिन ऑफ कोर है उसका वो अलग चीज़ है। इसीलिए जब आप कम्युनिस्ट शब्द का कभी भी प्रयोग करिएगा तो आप ये मत सोचिएगा कि ये गाली है, एक विचारधारा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए लिखा है, भारत और नेपाल दो देश हैं लेकिन संस्कृति एक है। देखिए, यदि हम धरातलीय आधार पर देखें, ज्योग्राफी अकॉर्डिंग देखें, तो ये दो देश हैं, बट दोस्तों जब आप सांस्कृतिक रूप से देखेंगे तो भारत और नेपाल की ज़्यादातर जो संस्कृति है ना, बहुत ज़्यादा मेल खाती है। दोनों की जीवन शैली एक है, दोनों की आस्तिकता एक है, उपास देवी देवता एक, नेपाल के पशुपतिनाथ और काशी के शिव एक हैं, नेपाल की बागेश्वरी और भारत की विंध्याचल देवी या महाकाली एक ही हैं, नेपाल की 85% जनसंख्या हिंदू है, भारत की भी स्थिति ऐसी ही है, दोनों देशों के हिंदू अयोध्या में जन्मे श्रीराम के प्रति गहन आस्था से भरे पूरे हैं, दोनों देशों का सांस्कृतिक प्रवाह एक है, सरहदें सांस्कृतिक प्रवाह नहीं रोक सकती, आपको पता है। भारत नेपाल की सीमाएँ भी धार्मिक आस्तिकता और सांस्कृतिक आवाजाही नहीं रोक पाई, आपको पता है। मुझे लगता है पूरे एशिया में यदि दो देशों के बीच की सबसे शांतिमय यदि कोई रेखा है या फिर कहें सीमा है, तो भारत और नेपाल के बीच की हैं, या फिर कहें थी, क्योंकि आजकल जिस तरह से गतिरोध चल रहे हैं, जिस तरह से नेपाल के द्वारा बार बार भारतीय क्षेत्रों को अपने नेपाल के क्षेत्रों में मिलाने की चेष्टा की गई है, जैसा लिपुलेख लिम्पिया अधूरा काला पानी के साथ किया गया है, ऐसे में थोड़ी सी स्थिति संवेदनशील हुई है पर बिगड़ी नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों की आत्मीयता और सांस्कृतिक एकता के संवर्धन के लिए जब जनकपुर गए थे, तब नेपाली प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने उनके संग जनकपुर से अयोध्या के बीच सीधी बस सेवा का उद्घाटन किया था। अब इन्हीं ओली ने नेपाल के वीरगंज के पास ठोरी को श्री राम जन्मभूमि बताते हुए कहा है कि असली अयोध्या नेपाल में है। उनके बयान से नेपाल और भारत के हिंदू आहत हैं। भारत और नेपाल का जनमानस श्री राम और अयोध्या के प्रति श्रद्धालु है। सोचिए, ये एक तरह से सोची समझी कंस्पिरेसी है, स्ट्रेटजी है कि भारत जैसे देश को धार्मिक आधार पर घेरने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। या फिर कहें कि जो दोनों देश के जो श्रद्धालु हैं उनके आस्था को चोटिल करने का प्रयास किया जा रहा है, और किसके इशारे पर किया जा रहा है पूरा वैश्विक स्तर के देश जानते हैं। ये पूरी तरह से चाइना के माध्यम से किया जा रहा है, चाइना ऐसा कहने के लिए कर रहा है, नहीं तो इस तरह की हिमाकत नेपाल जैसा देश कभी नहीं करता।
इस शरारतपूर्ण बयान पर स्वाभाविक ही तीखी प्रतिक्रिया हुई है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराय ने टिप्पणी की, ओली के बयान ने सारी हदें पार कर दी हैं। एक मिनट, हमें एक चीज़ देखने दीजिए, पार कर दी हैं। अब ओली से कलयुग की नई रामायण सुनने की उम्मीद करें। पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष कमल थापा ने कहा, प्रधानमंत्री से मूर्खतापूर्ण अपुष्ट टिप्पणी वांछनीय नहीं थी। आप ही बताइए, आज तक जितने भी स्रोत मिले हैं, जितने भी ओरिजिन मिले हैं, वो भारत के पक्ष में रहता है कि जो श्री राम जन्मभूमि की जो बात होती है, या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम की जब भी बात होती है, तो जो उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है, वहाँ से ताल्लुकात इनके बारे में बताया जाता है। वहाँ पे सारी बातें, जो भी उत्खनन करता है, खोज करता है, सारी बातें वहाँ से ताल्लुकात बताते हैं। पर सोचिए किस प्रकार से सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से जो एक प्रहार किया गया नेपाल जैसे देश के द्वारा, भारत जैसे देश के ऊपर, वो काफ़ी शर्मसार करता है। प्रतीत होता है कि उनका ध्यान भारत के साथ संबंधों को सुधारने की जगह नष्ट करने पर केंद्रित है। यही सही जान पड़ता है। ओली अपनी विचारधारा के सूत्र मात्र से तुंग में खोजते हैं। सोचिए, नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल का शासन है। इसी दल के वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम ने कम्युनिस्ट विचार की संस्कृति विरोधी धारणा प्रकट करते हुए कहा कि किसी वास्तविक कम्युनिस्ट के लिए इससे फर्क नहीं पड़ता कि भगवान राम कहाँ पैदा हुए हैं। श्री राम को खारिज करना नेपाली कम्युनिस्टों का ताज़ा एजेंडा है। यही भारतीय कम्युनिस्टों का भी आधारभूत एजेंडा रहा है। प्रधानमंत्री ओली से पूछा जाना चाहिए कि असली अयोध्या नेपाल में नहीं है तो उन्होंने पीएम मोदी के साथ जनकपुर से अयोध्या के लिए एक सीधी बस सेवा को हरी झंडी क्यों दिखाई थी? क्या यह सेवा नकली अयोध्या के लिए थी? क्या ऐसा करने के पहले वह कथित असली अयोध्या के अस्तित्व से अनजान थे? अयोध्या काव्य कल्पना नहीं है, इसका सुदीर्घ इतिहास है। अथर्ववेद से लेकर वाल्मीकि कंबन और पौराणिक साहित्य तक अयोध्या एक ऐतिहासिक नगरी है। यह इस्लामी हुकूमत के अभिलेखों में है और ब्रिटिश सत्ता के गेजेटियर में भी। सोचिए, जो तमाम तरह के आक्रमणकारी हुए हैं, चाहे वो अरब वाले रहे हों, चाहे अंग्रेज़ रहे हों, उनके भी गेजेटियर और उनकी जो इस्लामिक पुस्तक है, उसमें भी किस प्रकार से बताया गया है कि जो हिंदुओं की आस्था है, जो सर्वोत्तम पुरुषोत्तम की जो बात करते हैं, जो राम जी की बात करते हैं, उनके भी जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, गेजेटियर हैं, उसमें भी यही आस्था का विषय है कि नहीं, जो श्री राम का जो ताल्लुकात है वो अयोध्या से है। पर दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने इस बयान को कहकर एक तरह से एक नई रणनीति, एक नई कह सकते हैं युद्ध, जो आप कह सकते हैं धार्मिक युद्ध की शुरुआत कर दी है। नेपाल के लाखों श्रद्धालु अयोध्या आते हैं। ऐसे में एक प्रधानमंत्री के मन में अयोध्या को लेकर ऐसा खुरापाती विचार क्या आया? क्या नेपाली प्रधानमंत्री कामरेडों को खुश करने और स्वयं को असली कम्युनिस्ट सिद्ध करने के लिए असली नकली अयोध्या का विवाद खड़ा करना चाहते थे? उनका दाव तो उलट पड़ा। नेपाल में ही इस पर खासी तीखी प्रतिक्रिया हुई। वहाँ के विदेश मंत्रालय को सफाई भी देनी पड़ी। भारत का कम्युनिस्ट आंदोलन भी संस्कृति को तहस नहस करने का एजेंडा लेकर 1925 में शुरू हुआ था। वे रूसी क्रांति से प्रेरित होकर भारत में सर्वहारा क्रांति लाना चाहते थे। भारतीय संस्कृति वाम अभियान में बाधक थी। उन्होंने सांस्कृतिक प्रतीकों को निशाना बनाया। भारत के पास दुनिया का प्राचीनतम ज्ञान ऋग्वेद था। सोचिए, जब वैश्विक स्तर पर पूरी दुनिया के लिए बात होती है कि दुनिया का सबसे पुराना जो धर्म है वो कौन सा धर्म है? सनातन धर्म। इसी धर्मों के माध्यम से सारे धर्मों का उद्गम हुआ है। और जब बात होती है भारत के पास दुनिया का प्राचीनतम जो ज्ञान है वो ऋग्वेद है। भैया, आपको पता होगा जो नालंदा विश्वविद्यालय था, उस जमाने में कई देशों के लोग यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे यहाँ आते थे। पर किस प्रकार से बख्तियार खिलजी के द्वारा उसे पूरी तरह से जला दिया गया। कई सालों तक वो जलता रहा और आज ये लोग हमसे जो है कि साक्ष्य मांग रहे हैं, हमारे आस्था के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, घात कर रहे हैं। इसके रचनाकार आर्य थे। कम्युनिस्टों ने आर्यों को लुटेरा और हमलवार बताया। सोचिए, जो कम्युनिस्ट हैं वो आर्य को किस प्रकार से लुटेरा और हमलवार बताया कि जितने भी पुरातत्व विभाग के पास जो भी साक्ष्य हैं या फिर जो तमाम तरह की पुस्तकें हैं, वहाँ पे ऐसी बातों का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता।
और ये लोग क्या बता रहे हैं। वैदिक संस्कृति और समाज को असभ्य सिद्ध करने के प्रयास किए, वे संस्कृति से टकरा कर औंधे मुंह गिरे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्लियर कर दूं, यहाँ पे देखिए कम्युनिस्ट शब्द का प्रयोग किया, तो ऐसे में जो लोग भी कम्युनिस्ट होंगे सारे लोगों की बात आ जाएगी। तो इसका मतलब नहीं है जो किसान है, जो गरीब है, जो आदिवासी जनजाति है, जिनका शोषण हुआ है। आपको बता दें कुछ ऐसे भी हैं समाज में लोग जो पूरी तरह से इस्लाम जैसे धर्म को गलत ठहराने के लिए तमाम तरह के दोषारोपण उसके ऊपर मरते रहते हैं, एक तरह से उसको बदनाम करने की कोशिश हर दिन करते रहते हैं। पर दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि इस्लाम में सारे लोग उसी नेचर के हैं जिस तरह से लोग आतंकवादियों को बताते हैं। नहीं, इस्लाम जो है शांति और शिक्षा का प्रतीक है, एक आस्था है। पर जो यदि देखिए इंसान गलत है तो इंसान गलत है, न कि उससे जुड़े हुए संघ संगठन पार्टी या धर्म जाति। कोई यादव का लड़का हुआ कोई गलती कर दिया, कोई ठाकुर का लड़का गलती कर दिया, तो इसका मतलब नहीं पूरे ठाकुर गलती कर दिए, ठीक है। तो जब आप कभी भी लेखन शैली में लिखेंगे तो कम्युनिस्ट शब्द को आप प्रयोग कर सकते हैं, पर गाली गलौज वाला जब चीज़ें होंगी या किसी एक व्यक्ति को दोषारोपण करने के लिए आप कम्युनिस्ट शब्द का प्रयोग कभी मत करिएगा, पूरा का पूरा नंबर धराशायी हो जाएगा, समझ जाएंगे ये बंदा किस दिमाग का है। उन्होंने श्री राम को निशाना बनाया, उन्हें काव्य कल्पना बताया, श्री राम जन्मभूमि मंदिर की राष्ट्रीय अभिलाषा का परिहास किया। कुछ एक ने तो श्री राम और सीता को भाई बहन बताया, वे विशाल हिंदू मन की थाह लेने में असफल रहे, चुनाव उन्हें धकियाते रहे, वे कांग्रेस से सटते रहे। नेपाली कम्युनिस्टों को भी तमाम वैचारिक सहूलियतें वाम दल समर्थित मनमोहन सरकार के समय उपलब्ध हुई। नेपाल कम्युनिस्ट विचार के लिए स्वाभाविक भूमि नहीं है और न ही भारत, जहाँ श्री राम वहाँ वाम का क्या काम। श्री राम परिपूर्ण जीवन शैली के पर्याय हैं। नेपाल और भारत के संबंध प्राचीन इतिहास में भी हैं। सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री के साथ नेपाल यात्रा की थी, सोचिए अशोक ने अपनी पुत्री के साथ नेपाल यात्रा की थी, क्योंकि उनका जो आपके अशोक जी थे ये बुद्ध के बहुत बड़े पुजारी थे। आपने एक चीज़ सुना होगा जब आप इतिहास पढ़ते होंगे, धम्म नीति। धम्म नीति का जो उद्देश्य था दोस्तों, एक मानवता का उद्देश्य ही था कि जितना हो सके लोगों के लिए प्रेरित करें मानवता की सेवा, ठीक है। बुद्ध जैसे महात्मा को प्राथमिकता देना, उनके विचारों को प्राथमिकता देना, उसी के माध्यम से एक तरह से अपने सीमाओं की घेराबंदी करना। क्योंकि अशोक जैसे शासक को पता था कि मैंने तमाम लड़ाइयाँ लड़ी और एक लंबे समय तक एक तलवार की नोक पर किसी भी विजित क्षेत्र को उसी सीमा में बांध रखना मुश्किल है, इसीलिए उन्होंने धम्म नीति का कह सकते हैं उद्घोषणा किया, और जिसमें महात्मा बुद्ध के विचारों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में नेपाल का विवरण है, यहाँ नेपाल का उल्लेख समुद्रगुप्त के करद प्रकृति के राज्यों में किया गया। नेपाल और भारत के मध्य राज्य की भौगोलिक सीमाएं महत्वपूर्ण नहीं है, वैचारिक आदान प्रदान का माहौल था। नेपाल भारत का एक सांस्कृतिक इकाई थे और है। भारत में कम्युनिस्ट विचार 1925 में आया, नेपाल में 1949 में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी 1962 से 63 में टूट गई। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी भी टूटी। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी 1995 में टूट से बनी। इससे हिंसा का मार्ग चुना, हजारों लोग मारे गए। भारतीय संस्कृति से इसकी खुन्नस की वजह यह है कि वाम के प्रसार में सांस्कृतिक प्रभाव मुख्य बाधा है। श्री राम देशी कम्युनिस्टों का भी निशाना रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन एक नवजागरण था, जाति पंथ के आग्रह धराशायी हो गए। मंदिर को लेकर मुकदमे चले, अदालती आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जन्मभूमि परिसर की खुदाई की, मंदिर के साक्ष्य मिले। वाम विचारकों ने ASI पर भी आरोप लगाए, तथ्यहीन बाबरी मस्जिद की पैरवी और ASI के निष्कर्षों पर हमला ध्यान देने योग्य है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी सुनवाई की, ऐतिहासिक तथ्य पुरातत्व और प्राग इतिहास साक्ष्य बने, श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रमाणित हो गया। सोचिए दुनिया भर के तमाम तरह के जो बड़े बड़े पुरातत्व विभाग के अधिकारी थे उनके माध्यम से ये सारी चीज़ें स्पष्ट की जा चुकी हैं पहले ही,
ये जो भूमि है ये पूरी तरह से श्री रामलला जी से संबंधित है, पर आज भी हमारे कुछ नेतागण हैं जो हमारे शत्रुदेश से ताल्लुकात रखते हैं, वो इस तरह की अनाप शनाप के माध्यम से सांस्कृतिक प्रहार करना चाहते हैं हमारे यहाँ। विश्वास है कि नेपाल के श्रद्धालु भी अयोध्या आएंगे। संस्कृति विरोधी वाम विचार का वायरस निष्प्रभावी है। जैसे नेपाल और भारत की एक सांस्कृतिक इकाई, वैसे ही दोनों देशों के वाम दल भी एक जैसी संस्कृति विरोधी धारणा से लैस हैं। नेपाल की जनता प्रबुद्ध है, वह भारत से आत्मीयता चाहती है। भारत की जनता नेपाल को प्रेम करती है। ओली का बयान वाम विचार की सोची समझी माओवादी रणनीति का प्रमाण है। ऐसे बयान संबंध बिगाड़ने वाले हैं। ये थोड़ा आप आगे देख लीजिए, ये लिखा है कि मोदी 5 को करेंगे मंदिर का भूमि पूजन। लास्ट में दोस्तों जो मुख्य पृष्ठ का होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा गया कि मोदी को 5 को करेंगे मंदिर का पूजन, मतलब 5 अगस्त को हो सकता है कि मंदिर का पूजा हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये दशकों से चला रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ संगठन हैं, कुछ संघ हैं जो पूरी तरह से, जब कभी भी सरकार के ऊपर तमाम तरह के दोषारोपण मरते हैं लोगों के द्वारा, या ऐसा दिखाई दिया जाता है कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है गिर रही है, तो मंदिर मस्जिद शुरू हो जाता है। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रियाएँ दे सकते हैं, कितना सही कितना गलत। LAC पर राफेल तैनात करने की हो रही तैयारी। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से चाइना और भारत के बीच LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच कई महीने से एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में दोस्तों भारत पीछे नहीं हटना चाहता, भारत पहले से ही सजग रहना चाहता है। ऐसे में राफेल की तैनाती की जा सकती है। उसके बाद है, पायलट को पटकनी देने के लिए विश्व सत्र बुलाने की तैयारी में गहलोत। आपको पता है राजस्थान में इस समय क्या चल रहा है, ठीक है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो एक नाजुक स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से दोस्तों सचिन पायलट के 19 बागी विधायकों को निष्कासित कर दिया गया है विधानसभा के माध्यम से। वो कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट जाएंगे इस जो हमारे साथ जो गलती की गई है। और वहीं पे एक तरह से बताया जा रहा है कि सचिन पायलट पूरी तरह से अशोक गहलोत की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो प्रयास होगा, जो मदद होगा, वो BJP के माध्यम से होगा, ऐसे आरोप लगाया जा रहा है। दिल्ली में आफत की बारिश, 4 की मौत, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। आप दिल्ली की बात करें, इस समय आसाम बिहार जैसे राज्यों की वो स्थिति है कि दोस्तों लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पलायन होना पड़ रहा है, और ये हर साल करना पड़ता है। सरकारें तमाम तरह के आश्वासन देती हैं, प्रलोभन देती हैं, बस जैसे ही उनका चुनाव खत्म हो जाता है उस जगह से उनका कोई ताल्लुकात नहीं रहता है। वो बात बता देंगे, भैया तो राष्ट्रीय मुद्दा है, जब तक PM और CM कुछ नहीं विचार विमर्श करेंगे, हमसे अकेले वाला नहीं होने वाला है। तो हमारे देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, लोग समझदार बनिए। उसके बाद आगे, आज से ग्राहकों को मिलेंगे कई और अधिकार। आज से ग्राहकों को मिलेंगे कई और अधिकार, जैसे क्या है ना, ग्राहकों को सारे अधिकार मिलेंगे। पहले क्या होता था, जो कंज्यूमर प्रिवेंशन एक्ट बना हुआ है तमाम तरह के, तो यदि जो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां यदि आपको ठगने का प्रयास करती हैं, या फिर फेक कमोडिटी आपको पहुंचा रही, या फिर कोई ऐसा कमोडिटी प्रोडक्ट आपको दे रही जिससे आपका स्वास्थ्य किसी प्रकार का बिगड़ सकता है, या कुछ भी आपके लिए संकट का विषय हो सकता है, तो उसके लिए तमाम तरह के प्रावधान किए गए हैं। चांदनी चौक में अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी नगर निगम की। चांदनी चौक का अर्थात मतलब जो दिल्ली का एक चांदनी चौक जगह है, वहाँ पे जिस तरह से लोगों ने सरकारी ज़मीनों को कब्जे में कर लिया है, तो वहाँ पे दोस्तों इस समय अतिक्रमण चल रहा है नगर निगम के द्वारा, उस चीज़ को हटाया जा रहा। तो आज कितना ही, नमस्कार, धन्यवाद।